सच पूछिए और सच मानिए तो कांग्रेस और राजद के बीच अगर कोई विवाद का कारण है तो वो फिलहाल कुशेश्वर स्थान सीट है। कन्हैया कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव मॉक टेस्ट शुरू हो गया, यानी एक बड़ी लड़ाई से पहले कन्हैया और तेजस्वी को एक दूसरे से फरियाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की बात को अगर भूल भी जाते हैं तो जिस तरीके से लालू यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेता मैं हूं और मैं डिसाइड करूंगा और जो मैंने कह दिया मेरा वचन ही है शासन, तो मान लेना चाहिए। कांग्रेस जीतने के लिए और राजद को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखाने के लिए इन दोनों जगहों से चुनाव लड़ रही है। लालू यादव को लेकर जो बातें उन्होंने कही उसमें सारी बातें निगेटिव ही थी। उन्होंने ये भी बता दिया कैसे कांग्रेस को बिहार में समाप्त करने के सत्ता में आए थे लालू यादव। उन्होंने ये भी बता दिया कि कांग्रेस को कैसे दबाव बनाते हैं लालू यादव। कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर कुशेश्वर स्थान सीट पर पीछे नहीं हटेंगे राजद के लोग तो हम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। नीतीश कुमार देखिए ना, भाजपा के साथ जब से आए हैं तब से कई मुद्दों पर अपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है। इसकी वजह से आपको याद होगा कई लोगों को बेचैनी हुई। कई लोगों ने यहां तक कि उनके सबसे करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने उन पर सवाल खड़े किए। जो प्रत्याशियों का नाम चयनित किया गया उसे बिना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए खुद ही अनाउंस कर दिया गया। याद होगा आपको पिछले उपचुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह से माझी और मुकेश सहनी बाहर चले गए थे। कांग्रेस की मिट्टी पलीत हुई थी 70 सीट मिलने के बावजूद भी, जब कांग्रेस 19 सीट लेकर आमात्र आई थी। उसी तरीके से अब राजद को इन दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करना एक बड़ी कठिन समस्या सामने आ गई। कांग्रेस को भी लगता है कि क्योंकि 7000 मात्र वोटों से हार हुई थी तो ये सीट हमारी है, हक हमारा है, और कन्हैया कुमार को अगर यहाँ बुलाकर जन भावना बढ़ाया जाता, अगर लोगों के बीच भीड़ जुटाकर इनको इकट्ठा किया जाता तो हम शायद इस सीट पर जीत भी जाते हैं। हो सकता है कि इन उम्मीदवारों के अलावा किसी और का नाम आ जाए, लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि कांग्रेस के दिल्ली के दफ्तर में इस वक्त जब बाबा भी दिल्ली मौजूद है, दो नाम तैर रहे हैं दोनों सीटों पर, राजेश मिश्रा और अशोक राम के पुत्र, दोनों का नाम कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट से चल रहा है। और हो सकता है कि आज रात तक या कल सुबह तक कांग्रेस इसकी घोषणा कर दे।